आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि NISM सर्टिफिकेट मिलने के बाद ARN कोड के लिए कैसे एप्लीकेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे और ARN जनरेट करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ARN के एप्लीकेशन के लिए जाएं, इससे पहले हम आएंगे आधार की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे क्यों आना है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली जनरेट करना है ऑफलाइन EKYC। वो कैसे जनरेट करते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है आधार के। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP यहाँ नीचे डालना है और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑफलाइन KYC, ऑफलाइन EKYC, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक 4 डिजिट का कोड जनरेट करना होता है। कोई भी अपने मन से आप 4 डिजिट का कोड लिख लीजिए, ठीक है। इसको बस याद करके रखना है आपको। कोई भी नंबर लिख सकते हो, सकता है आप अपना ईयर ऑफ बर्थ लिख सकते हैं या फिर पैन कार्ड में जो 4 डिजिट रहता है वो लिख सकते हैं। आप 1234 लिखेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 1234 लिख के डाउनलोड पे क्लिक किया तो वहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। कोई भी यूनिक नंबर आप लिखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 9844, ठीक है। और जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया ये देखिए डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो मैंने जो नंबर लिखा ना 4 डिजिट का, वो 4 डिजिट आपको भी लिखना है कोई भी ऐसा ही, और डाउनलोड कर लेना है और वो डिजिट आपको याद रखना है बस, ठीक है। क्योंकि ये काम आगे जो है काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, अब हम आएंगे बेसिकली अप्लीकेशन करने के लिए ARN का, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सीधा क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे EKYC का प्रोसेस यहाँ पे करना है तो हम ऑफलाइन वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन पे क्लिक करना है यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा आगे जाके। एड्रेस के लिए हमने आधार की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया ना वही यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो वह प्रूफ ऑफ एड्रेस ही होता है वो। इसके बाद बैंक अकाउंट में हमें कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। डिवाइस परमिशन, अगर आपका डिवाइस मांगता है परमिशन कैमरा लोकेशन के लिए तो उसको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपका सिग्नेचर का भी एक फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है नीचे। तो हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे एक टिक करेंगे कि हमने समझ लिया है क्या क्या चीज़ें करनी है, टिक करना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यस आई हैव आधार XML रेडी, क्योंकि हमने ऑलरेडी आधार की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लिया है। यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, जो आधार से लिंक रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके कर दीजिए, आपके मोबाइल पे OTP आएगा वो यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी पे भी OTP आएगा ये यहाँ पे डालना है, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बेसिकली अपलोड करना है, मतलब पैन कार्ड अपलोड करना है, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए JPEG फॉर्मेट, JPG, PNG और PDF फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउड साइज है जो है वो 5 MB है, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करके आपको आपका पैन कार्ड अपलोड कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे तो ये पैन कार्ड के बेसिस पे सारी चीज़ें ऑटो फिल कर लेगा, जैसे पैन कार्ड नंबर, एप्लीकेट नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फादर्स का नाम भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको सीधा नेक्स्ट करना है बस। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमें वही अपलोड करना है जो हमने आधार कार्ड की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड किया था। चूज फाइल पे क्लिक करके जो जीप फाइल रहेगी उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो 4 डिजिट का कोड आपने डाला था ना वही कोड आपको यहाँ पे डालना है। डाल के जैसे एक्सट्रैक्ट जीप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ कोडिंग जैसा आ जाएगा, ये ऐसा ही आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा ओके करना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ये आधार कार्ड जो अभी आपने अपलोड किया ना उसके बेसिस पे सारी चीज़ें ऑटो फिल करके आएंगी, नेम आधार और आधार नंबर, एड्रेस, आधार पे जो एड्रेस रहेगा वो ऑटो फिल होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये टिक वाला मार्क रहेगा, मतलब यहाँ पे टिक रहेगा कि कम्युनिकेशन एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है, मतलब आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आप फिलहाल वहाँ नहीं रहते हैं, तो आपको इसे अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद जहाँ पे आप रहते हैं ना परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस वो आपको यहाँ पे डालना है। तो नेक्स्ट करके हम डाल देंगे जहाँ पे हम रहते हैं। उसके लिए ये सारे प्रूफ आपको लगेंगे, इसमें से कोई भी एक प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट किया है। अपलोड पे आना है, चूज पे क्लिक करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे एडिशनल डिटेल्स में आपको देना है आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन टाइप, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मदर्स नेम, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड लोकेशन ऑफ KYC, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। कोई चीज़ ऑटो फिल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लोकेशन ऑफ KYC ऑटो फिल हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपलोड करने हैं, मतलब कैंसिल चेक अपलोड करना है।
ठीक है, तो चूज करके हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड कर दिया, जैसे ही अपलोड करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और सारी चीजें ऑटो फिल करके आएंगी। जैसे आईएफएससी कोड ऑटो फिल हो जाएगा, नेम ऑटो फिल हो जाएगा, बैंक ऑटो फिल हो जाएगा, अकाउंट नंबर ऑटो फिल हो जाएगा, सारी चीजें ऑटो फिल हो जाएंगी। बस यहाँ पे अकाउंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे केस में सेविंग बैंक है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे साइन भी अपलोड करना रहता है, तो यहाँ पे लाइव साइन, मतलब आप लाइव साइन पे क्लिक करके यहाँ पे सीधा साइन कर सकते हैं, बट अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपलोड पे क्लिक करके आपका साइन का फोटो लेना है, ठीक है, ब्लैंक पेज पेपर पे, और उसको अपलोड कर देना। मैंने आप देखिए अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आएगा प्रीव्यू एंड कन्फर्म, तो आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, सारी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, प्रॉपर है मेरा। मैं स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे आई डिक्लेरेशन देना है, बेसिकली यहाँ पे क्लिक करना है। आप चाहें तो ये फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड फील्ड फॉर्म पे क्लिक करके। ठीक है, तो हम सीधा करेंगे ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी ई साइनिंग का ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे हमको डिक्लेरेशन देना है और अपना आधार नंबर डालना है और ओटीपी पे क्लिक करके सेंड ओटीपी करना है। ठीक है, तो मैं डिक्लेरेशन दे दिया, आधार नंबर डाल दिया और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। ओटीपी आएगा आधार से जो नंबर लिंक है, ठीक है, वो ओटीपी डालना है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा कि आपका रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, हो सकता है कि 30 सेकंड ले या फिर 1 मिनट ले, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये वाले पेज पे आ जाएगा, खुद से ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, आपको फिर MICR कोड डालना है। MICR कोड क्या होता है बेसिकली, तो चेक पे आपका जो चेक नंबर रहता है ना, उसके बाजू में 9 डिजिट का MICR कोड रहता है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। क्वालिफिकेशन, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी, ये डालना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोफिल होती हैं। डालने के बाद आपको सीधा यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन रहेंगे, जो भी बैंक रहेगा वो बैंक चूज कर सकते हैं, या फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो UPI का ऑप्शन भी मिलता है आपको। तो UPI सेलेक्ट, मैं UPI करने वाला हूँ, तो मैं UPI सेलेक्ट करूंगा और पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाता है स्कैनर, क्लिक हियर टू स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पे आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, जो भी आप यूज करते हैं वो यूज करके आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, आपको ARN जल्दी ही मिल जाएगा। तो हार्डली 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर हार्डली आपको आपके मेल पे ARN नंबर आ जाता है। देखिए यहाँ पे ARN इंश्योरेंस करके आ गया है, यहाँ पे ARN नंबर यहाँ पे लिख के आ जाता है, आपका पासवर्ड भी लिख के आ जाता है। तो ऐसे बेसिकली ARN के लिए आपको अप्लीकेशन करना है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सर्टिफिकेट आने के बाद, NISM सर्टिफिकेट आने के बाद ARN के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।